हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। ताइवान के साहिल पर चीनी फौजी मशकों से कशीदगी में इजाफा होगा। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि चीन की धमकी आमेज कार्रवाइयों पर तशवीश है। रूस ने 62 कैनेडियन शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी हुकाम का कहना है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की इंतजामिया ने रूस के खिलाफ मुखालफाना कार्रवाइयां की। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी। टोरंटो में हीट वेव के सबब इंतजामिया के अहम इकदाम। न्यूफाउंडलैंड में जंगलात में आग के सबब इमरजेंसी नापस। रूस का यूक्रेनी जौहरी प्लांट पर हमला। रूस का यूक्रेन में दर्जनों गैर मुल्की जंगजुओं और मुकामी फौजियों को हलाक करने का दावा। इसराइल और फलस्तीन का गजा में जंगबंदी पर इत्तेफाक। इसराइली बमबारी से 36 फलस्तीनी जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है शहीद हो चुके हैं। चीनी फजाइया के 22 तैयारे आज ताइवान की फजाई हदूद में दाखिल हुए। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि ताइवान अमरीका का नहीं चीन का इलाका है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वजीर दिफा का कहना है कि ताइवान के साहिल पर चीन की लाइव फायर मशकें कशीदगी में गैर जरूरी इजाफा कर रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर दिफा का कहना है कि ताइवान के साहिल पर चीन की लाइव फायर मशकें कशीदगी में गैर जरूरी इजाफा रही हैं। कैनेडियन वजीर दिफा का ये बयान बीजिंग के ऐलान के एक दिन बाद सामने आया, जब वो मौसमियाती तआवुन समेत बड़े मसाइल पर अमरीका के साथ तमाम रबते ख़त्म कर रहा है। आनंद ने एक फीचर इंटरव्यू में कहा, हम चीन की तरफ से धमकी आमेज कार्रवाइयों से परेशान हैं। अनीता आनंद का कहना था कि आबनाए ताइवान में जारहाना फौजी सरगर्मियों के बहाने दौरे को इस्तेमाल करने का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे पर बीजिंग का रद्द अमल सादा इंतकामी कार्रवाई से आगे बढ़ गया है। आनंद ने कहा, हमारे ममालिक के कानून साजों के लिए बैन अलावामी सतह पर सफ़र करना मामूल है और चीन के बढ़ते हुए रद्द अमल से तनाव बढ़ने और खत्ते को गैर मुस्तहकम करने का ख़तरा है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान चीन ने 100 से ज़्यादा जंगी तैयारे और 10 जंगी जहाज़ ताइवान के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के तौर पर रवाना किए, जिसका बीजिंग अपने इलाके का हिस्सा होने का दावा करता है। बीजिंग में हुकाम ने जुमे को कहा कि वह पेलोसी पर ज़ाती हैसियत में पाबंदी लगाने का भी इरादा रखते हैं। आनंद ने कहा कि हुकूमत उबलते हुए बहरान में पूरी तरह मसरूफ़ है। कनाडा की जानिब से पाबंदियों में इजाफे के बाद रूस ने 62 कैनेडियन शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूस ने 62 कैनेडियन शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी दफ्तर खारजा से जारी करदा तहरीरी ऐलामी में याद दहानी कराई गई है कि कैनेडा ने रूसी सरकारी नुमाइंदों, सहाफियों, माहरीन और रूसी ऑर्थोडॉक्स क्लेसा के पैट्रिक कैरियल पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके जवाब में 62 कैनेडियंस को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करते हुए उन नामों की फहरिस्त शाया की गई। इस फहरिस्त में कैनेडा के वजारत खारजा और वजीर आजम के अहदेदारों के अलावा सियासी माहरीन, फनकार और मजहबी नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि ज़ेर बहस नामों के रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है और ये कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इंतजामिया ने रूस के खिलाफ मुखालिफाना कार्रवाइयाँ की। रूसी हुकाम के मुताबिक रूसी दुनिया और रिवायती इकदार के मुखालिफ उन कैनेडियंस की फहरिस्त वजारत की वेबसाइट पर शाया की गई जिनके मुल्क में दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी है। बयान में कहा गया कि मुस्तकबिल में इस तरह के इकदाम के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम का ऐलान किया जाएगा। रूस का कहना है कि कैनेडा की ज्यादा से ज्यादा नई रोसोफोबिक पाबंदियों को ख़त्म करने के पेश नज़र रूस के मजीद जवाबी इकदाम का जल्द ही ऐलान किया जाएगा।
एनवायरमेंट कनाडा ने ओंटेरियो, क्यूबेक, नोवा स्कोशिया और पीईआई में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, जिन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा ने ओंटेरियो, क्यूबेक, नोवा स्कोशिया और पीईआई में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, जिन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। टोरंटो के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की गई, जहां पोल्स के औकात को बढ़ा दिया गया। एनवायरमेंट कनाडा ने ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की है। ये बाहर 40 डिग्री या उससे ज्यादा महसूस होगा। रात के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 20 के वस्त तक कम रहने की तवक्को है। माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि गर्मी की लहर का साइज जबकि काबिल जिक्र है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानेब बस्ती न्यू फाउंडलैंड में हंगामी हालत का निफास किया गया, जब जंगल की आग बूट वुड तक फैल गई। अभी तक इनखिला का कोई हुक्म नहीं दिया गया है, ताहम वजीर आला का कहना है कि तैयार रहे। प्रीमियर बस्ती न्यू फाउंडलैंड की कम्युनिटीज के रहायशियों से कह रहे हैं कि वो खित्ते में जंगल की बढ़ती हुई आग की वजह से मुमकिन इनखिला की तैयारी करें। अभी तक इनखिला का कोई हुक्म नहीं दिया गया है। प्रीमियर एंड्रयू फ्यूरी का कहना है कि ये इकदाम खौफ व हिरास पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की वजह से तैयारी है। बस्ती न्यू फाउंडलैंड में आग 2 हफ्तों से भड़क रही है और सबसे बड़ी बेडी एस्पोयर हाईवे के करीब है, जिसने कोयग्रे जजीरा नुमा के अंदर और बाहर जाने वाली वाहिद सड़क को बंद करने पर मजबूर कर दिया। रूस ने यूक्रेन में फजाई हमलों के दौरान दर्जनों गैर मुल्की जंगजुओं और यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। रूस ने यूक्रेन में फिजाई हमलों के दौरान दर्जनों गैर मुल्की जंगजुओं और यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक जुनूब मशरकी यूक्रेन में फिजाई हमलों में 80 से ज्यादा गैर मुल्की जंगजू और 470 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए। रूसी वजीर दिफा ने इंकशाफ किया कि बहुत से गैर मुल्की जंगजू नामुनासिब तरबियत और जंगी तजर्बा ना रखने की वजह से हलाक हुए। अप्रैल में रूसी फौज ने अंदाजा लगाया था कि यूक्रेन में 7,000 गैर मुल्की फौजी मौजूद हैं, ताहम अब उनकी तादाद 3,000 से भी कम रह गई है। यूक्रेन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के नतीजे में रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने जौहरी प्लांट पर गोलाबारी के बाद सख्त बैनुल अक्वामी रद्द अमल का मुतालबा किया है। इसराइल और फलस्तीन ने इतवार की शाम से काहिरा की सालसी में गजा में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इसराइल और फलस्तीन ने इतवार की शाम से काहिरा की सालसी में गजा में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। बैनुल अक्वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मिस्री सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इसराइल ने इस तजवीज से इत्तेफाक किया है, जबकि मिस्री कोशिशों से वाकिफ एक फलस्तीनी अहलकार ने कहा कि जंग बंदी मकामी वक्त रात 8 बजे से नाफिज़ुल अमल होगी। इसराइल और फलस्तीन के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि वो काहिरा से रबते में है। गजा के हुकाम ने बताया कि इसराइली बमबारी से अब तक 36 फलस्तीनी, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है, शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर आजम मोहम्मद शतिया ने बैनुल अक्वामी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की जारहियत को रोकने में मदद करें, जबकि गजा में दोनों फरीकों के दरमियान जंग बंदी पर जोर दिया। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे का कहना है कि महसूर गजा की पट्टी पर इसराइल के फिजाई हमले न सिर्फ गैर कानूनी हैं, बल्कि गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने तशद्दुद के ताज़ा तरीन मुकाबले का सिफारती हल निकालने पर जोर दिया। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि ताइवान पर चीन के इकदाम जायज, मुनासिब और कानूनी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि ताइवान पर चीन के इकदाम जायज, मुनासिब और कानूनी हैं। उनका कहना है कि इन इकदाम का मकसद चीन की मुकद्दस खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत करना है। वांग यी ने कहा कि ताइवान अमरीका का हिस्सा नहीं, चीन का इलाका है। दूसरी जानिब ताइवानी वजारत दिफा का कहना है कि चीनी फिजाइया के 22 तैयारे आज ताइवान की फिजाई हदूद में दाखिल हुए। ताइवानी वजारत दिफा का मजीद कहना था कि आज चीन के 14 बहरी जहाजों की आबनाएं ताइवान में सरगर्मियां जारी रहीं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।